दाढ़ी कुमार अब लेने वाले हैं राम अवतार। लीड किरदारों की दोनों हीरोइंस के क्या होंगे रोल्स? क्या आने वाली है कोई माइथोलॉजिकल मूवी? यहाँ बात हो रही है उस मूवी के बारे में जो आने से पहले ही सबके जुबा पे छा सी गई है। चाहे वो फैंस हो, क्रिटिक्स हो या फिर हो न्यूज चैनल्स, हर कोई इस मच अवेटेड मूवी की स्टोरी जानने की फिराक में लगा हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की आने वाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म राम सेतु की। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु शुरू से ही चर्चा में है। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत बरूचा भी प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देने वाले हैं। पापाराजी ने हाल ही में स्टारकास्ट को ये इशारा करते हुए देखा कि तीनों जल्द ही इसकी शूटिंग फिर से शुरू कर सकते हैं। फिल्म से जुड़े रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय, नुसरत और जैकलिन जल्द ही फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीलंका जा सकते हैं। राम सेतु का निर्देशक अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, जो इससे पहले द जोया फैक्टर, परमाणु, तेरे बिन लादेन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो ने ये घोषणा की है कि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु को वो को प्रोड्यूस करेंगे। इस मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बाद इसे अमेज़न प्राइम मेंबर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। फिल्म के पोस्टर में अक्षय कुमार अपने गले में भगवा दुपट्टे के साथ एक अस्त व्यस्त रूप में दिख रहे हैं। पोस्टर के बैकग्राउंड में भगवान राम धनुष और बाण के साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में ये लाइन मिथक या वास्तविकता भी शामिल है। मेकर्स ने इंग्लिश और हिंदी में पोस्टर जारी किए थे। राम सेतु फिल्म की स्टोरी इस फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का पोस्टर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार राम सेतु की तलाश में निकलेंगे और इसे प्रमाणित भी करेंगे कि ये सत्य है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जिसका प्रमाण आज भी तस्वीर के रूप में मौजूद है। और आपको बता दें, राम सेतु की टीम अब फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। जबकि टीम का मुंबई में शूटिंग शेड्यूल होगा, टीम आगे की शूटिंग के लिए श्रीलंका भी जा सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और क्रू मेंबर्स को कोई ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिले तो वो जल्द ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स के लिए श्रीलंका रवाना हो जाएंगे। राम सेतु के निर्माताओं ने फिल्म के कलाकारों में शामिल होने के लिए अनुभवी अभिनेता नस्सर और सुपरस्टार तेलुगु अभिनेता सत्यदेव को शामिल किया है। सत्यदेव पिछले कुछ सालों में तेलुगु फिल्मों में अपनी एक बहुत अच्छी जगह बना चुके हैं और अच्छी खासी फॉलोइंग भी जुटा चुके हैं। अब वो अपनी करियर को गियर अप करने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु से बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि हिंदी फिल्म की खोज हमेशा उनके दिमाग में थी। जहां वे अपने रोल के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं सत्यदेव बड़े बजट की बॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में बैक स्टोरी देने में सहज है। अरुणा बाटिया विक्रम मल्होत्रा और लाइका प्रोडक्शन फिल्म का सह निर्माता है। इसके बारे में बात करते हुए मल्होत्रा ने पहले कहा था, राम सेतु तथ्यों, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनाई एक कहानी है और सदियों से भारतीयों की गहरी आस्था पर टिकी हुई है। आइए हम सभी भारतीयों की चेतना में राम के आदर्शों को जीवित रखने का प्रयास करें। रिपोर्ट में एक सोर्स ने बताया था, राम सेतु अक्षय कुमार की सबसे एम्बिशियस फिल्मों में से एक है और टीम फिल्म में एक सक्षम कलाकार सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। साउथ के दो नामों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया है और जल्द ही दोनों अक्षय के साथ शूटिंग शुरू करेंगे। हालांकि अभी उनके रोल को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक वेल स्केच रोल होने वाला है। पिछले साल दिवाली के शुभ अवसर पर अभिनेता निर्माता अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की अनाउंसमेंट की थी। राम सेतु की अनाउंसमेंट करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लिया था। अक्षय ने फोटो शेयर के साथ ही कैप्शन में लिखा, इस दीपावली
आइए हम एक सेतु का निर्माण कर सभी भारतीयों की चेतना में राम के आदर्शों को जीवित रखने का प्रयास करें, जो आने वाली पीढ़ियों को जोड़े। इस विशाल कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारा विनम्र प्रयास है राम सेतु। इस फिल्म का मुहूर्त शूट इस साल 18 मार्च को श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में शूट किया गया है। अक्षय कुमार इस शूट के डायरेक्टर, निर्देशक और पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ अयोध्या रवाना हुए थे। वैसे तो निर्माता और निर्देशक की तरफ से राम सेतु की रिलीज डेट की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राम सेतु का पहला पोस्टर 14 अक्टूबर 2020 को दिवाली के दिन पर रिलीज किया गया था, तो हो सकता है ये फिल्म आने वाले दिवाली पर रिलीज की जाए। तो आपको क्या लगता है, ये माइथोलॉजिकल कम रियलिटी मूवी किसी कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक पर तो नहीं फंस जाएगी ना? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।